हेलो, मैं दिव्या काकरान रेसलर और हम एशियन गेम्स के लिए जा रहे हैं। तो मेरी कमी थी वो मैंने उसको सुधारने की कोशिश करी है और एशिया चैम्पियनशिप में अभी मेरा सिल्वर मेडल आया है तो अब गोल्ड की उम्मीद पूरी है सभी को। पर लेकिन मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी, रिजल्ट चाहे कुछ भी, क्योंकि मैं हमेशा ये सोच के लड़ती हूँ मुझे गोल्ड ही लाना है, यही करना है। पर लेकिन मैंने मेहनत पूरी करी है और सबका आशीर्वाद भी पूरा है और जो जो मेरी कमियां थी वो भी जरूर सारी पूरी करी है मैंने। अब एशियन गेम्स में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। कैंप में ये रहने का फ़ायदा होता है, चाहे छोटे हो बड़े हो, विनेश दीदी हुई, साक्षी दीदी हुई, तो ये सब काफ़ी चीज़ें टेक्निक में जो गलती रहती है वो सिखाते हैं हमें और जो जो हमें कुश्ती में चाहिए वो चीज़ हमारे लिए बताते हैं कि ये अभी तुम नए नए निकल के आए हो, अनुभव नहीं है, ये नहीं है, तो ये चीज़ें ज़्यादा करो, तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इनका। फैमिली ने तो हमेशा से सपोर्ट किया कि गांव में और यूपी के गांव में और फिर दिल्ली में आना और ऊपर से रेसलिंग कराना, तो सब गांव में मना कर रहे थे कि रेसलिंग नहीं करानी है, पर लेकिन मेरे पापा की जिद थी कि हाँ ज़रूर करानी है और तो इसलिए हम गांव में से भी आ चुके थे। पर फिर दिल्ली में यहाँ पर स्टार्ट किया तो सब ने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया कि शादी नहीं होगी, कल को जाके चोट लग जाएगी, कान टूट जाएंगे, ये हो जाएगा। पर लेकिन मेरे पापा का सपना था कि अपनी लड़की को हाई लेवल पर बैठाना। और फिर मैं जब बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि हाँ मैं किस लिए पैदा हुई हूँ, मुझे देश के लिए कुछ करके दिखाना है, इसलिए फिर मैं रेसलिंग में ही आ चुकी हूँ। एशियन गेम्स के लिए कि अपना बेस्ट दूँ और अपने देश के लिए गोल्ड जीत सकूँ, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ भी चीज़ पाना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। अभी तक गोल्ड नहीं आया लड़कियों में एशियन गेम्स में, तो वो लाना है, पूरी कोशिश करनी है कि गोल्ड ही आए मेरा। मतलब ज़्यादा भी नहीं है, दिमाग के ऊपर बात है, क्योंकि मैं उससे एशियन चैम्पियनशिप हुई थी जो इंडिया में, वहाँ मेरा सिल्वर आया था, मैं उस वो लड़की मेरे को लग रहा था कि मैं मार सकती हूँ, पर लेकिन थोड़ा इंडिया का प्रेशर आ गया कि हाँ इंडिया में हो रहा है, गोल्ड जीतना ही, ये नहीं सोचा मैंने कि मेरे को अपना बेस्ट देना है, मेरे को पहले खेलना है मैट पे, मेडल की उम्मीद बाद में करूँगी, पहले अपना बेस्ट देना है। तो इसी चक्कर में मेरा एक एक अंग ने काम करना बंद कर दिया था और मैं कुछ भी नहीं कर पाई, तो वो गलती नहीं होगी, मैं सिर्फ बेस्ट दूंगी, मेडल अपने आप आएगा। बोलो स्पोर्ट्स कीड़ा फॉर मोर अपडेट्स।